शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांति वीर तुम, सखा वीर तुम महावीर तुम, शक्ति वीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम,
ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी। एक प्रवचन, धार्मिक प्रवचन, 3 घंटा तक चला और सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति प्रवचन के बाद उस धर्म गुरु के पास गया जो प्रवचन दे रहा था, धार्मिक प्रवचन, और कहा कि आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, ऐसा प्रवचन मैंने आज तक नहीं सुना, और बहुत महिमा करने लगा। उस धर्म गुरु को बहुत खुशी हुई कि मैंने कितना अच्छा भाषण किया और मेरे प्रवचन से इस व्यक्ति का कितना भला हुआ। उस धर्म गुरु ने पूछा, आपको ऐसी कौन सी विशेष बात इस प्रवचन में लगी, या आपको कौन सा विशेष लाभ हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, आपके प्रवचन की वजह से मेरी अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई, इनसोम्निया, नींद नहीं आ रही थी, वो प्रवचन सुनते सुनते अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई। केवल सुनना कभी कभी क्या लाता है, नींद। मुरली केवल पढ़ना और सुनना बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगी। नियम निभा लिया, समय थोड़ा सफल हो गया, व्यर्थ में नहीं गया, वो एक फायदा है, परंतु ये मार्ग आत्मोन्नति का है, ये मार्ग आगे बढ़ने का है। कल जब है उसे आज हम आगे हो, और आज से आने वाले कल में हम और आगे हो। इसलिए मुरली का शब्द, मुरली के वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, आत्मसात करने के लिए है, जीवन में अंगीकार करने के लिए, जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, हमारे विचार और मुरली के विचार एक हो जाए, हमारी विचारधारा और मुरली की विचारधारा का संगम हो जाए, ये लक्ष्य है। मुरली अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर, मुरली भी एक जैसे कारोबार जैसे हो गया है, क्योंकि वही वही चीजें, और जब हम वही वही चीजें सुनते हैं तो उनका प्रभाव होना बंद हो जाता है। इसलिए नवीनता अत्यंत आवश्यक है, नया दृष्टिकोण। मुरली का शब्द, मुरली के वाक्य को कार्यविधि, कोई एक्टिविटी बना देना, उसको उस रीति से नहीं देखना है कि मुझे इसे पढ़कर पूरा करना है, पर शब्द चित्र में परिवर्तित हो जाए, वाक्य ड्रिल बन जाए, हम पढ़े ना हम देखे। मुरली पढ़ना नहीं है, मुरली को देखना है, मन की आंखों से विजुलाइज करना है। आज की अव्यक्तवाणी, ढेर सारी बातें हैं, उसमें 2 एक्टिविटी है जो हम करेंगे। मुरली की कुछ बातों को याद रखना, कुछ बातों को एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देना, कुछ बातों को जीवन में कैसे लाना उसके बारे में सोचना, कुछ बातों की कविता बना देना, किसी का गीत बना देना, किसी का चित्र बना देना,
किसी का कोई एक आर्ट का रूप उसको दे देना, एक ही मूल्य के साथ अलग अलग चीजें करनी है, एक ही विधि से मुरली को स्टडी नहीं करना है, नहीं तो बोर्डम। कुछ दिन ठीक रहेगा पर फिर बोर होने लगेगा और मेथड्स को चेंज करते जाना है। एक ही मुरली में एक मेथड नहीं, मल्टीपल मेथड्स डालो। कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जो बाय हार्ट कर लेना है, कुछ कुछ मुरली से मंत्र बनाना है, कोई मंत्र खींचना है, कोई चित्र बनाना, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई सॉन्ग, कोई कहानी, कोई निमोनिक, कोई लोकेशन मेथड, सारी मेथड्स को एक साथ डाल देना। कुछ कहावतें, उसमें कुछ कहावतें है उनको पकड़ना। कोई नए शब्द है, कुछ इंग्लिश शब्द है तो 10 इंग्लिश शब्द रोज डालने हैं। ये काम है, कर रहे हैं ना, कर रहे कि नहीं कर रहे? रोज 10 इंग्लिश शब्द के अर्थ निकालने हैं और हिंदी ग्रुप में पोस्ट करने हैं। इंग्लिश ग्रुप में नहीं डालने हैं क्योंकि ये हिंदी ग्रुप का होमवर्क है। ये एक काम रोज का है। 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं ना, चालू है ना, और उसका रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। ऐप पोस्ट कर दिया है ग्रुप पर, उसमें रन करने से पहले रिकॉर्ड चाहिए, वैसे नहीं करना है, बता दिया है ग्रुप में, पोस्ट कर दिया है। रोज का चाहिए रिकॉर्ड ऐप में, कितना किलोमीटर रन हुआ है, कितने मिनट में कितनी कैलोरीज बर्न हुई। ये रन ट्रैकर करके ऐप पहले दिन ही ग्रुप में पोस्ट हो चुका है। 1 किलोमीटर मिनिमम है। और बहनों के लिए कहा था रस्सी स्किपिंग, 1 घंटा प्रकृति के सानिध्य में। ये सारे कार्य रोज करने हैं, भूलने नहीं है। और CRPF चार्ट तो है ही है, 1 time cooked, जिन्होंने सी चुना है, आर मतलब 100% रॉ, उसके बारे में रोज पढ़ते रहना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फ्रूट्स, रोज फ्रूट के बारे में पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फिर वही जो लेते थे सदियों से, वही उसी पे आ जाओगे। वही अनाज, वही नशा, वही नींद, वही भारीपन। जब तक अनाज हटता नहीं, आर पार नहीं देख सकते। जब तक कुक्ड हटता नहीं, माइंड क्लियर नहीं देख पाता जीवन को, परिस्थितियों को, क्योंकि फूड भारीपन लाता है, डलनेस लाता है। सुबह सुबह पोहा, उपमा, इडली, डोसा, उत्तपम और फिर नींद, क्योंकि सब अनाज है। जब तक लाइटनेस की तरफ नहीं जाते, प्राकृतिक की तरफ नहीं जाते, माइंड की क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं आती। डलनेस रहता है, कोमा सा, एक हेजी स्टेज, एक नशा सा, जैसे कोई पिया हुआ व्यक्ति होता है ना, नशे में रहता, वैसे फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड कोमा। इतना भारी डाल दिया, पूरा शरीर उसको पचाने में लगा हुआ है दिन रात। हीलिंग कब करेगा? हायर कॉन्शियसनेस में कब जाएगा? आत्मा कब देखोगे? शरीर ही शरीर दिखाई देता है क्योंकि शरीर ही समझ रहे हो। इसलिए CRPF, फिर मंत्र, भूल गया होगा तो आज से फिर से चालू करो। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूं, जब भी टाइम मिले मंत्र जाप चालू, 2 घंटा मंत्र, 1 घंटा प्रकृति, CRPF चार्ट, 3 घंटा मुरली अध्ययन। पर मुरली ही पढ़ते नहीं रहना है दिन रात, नहीं तो विक्षिप्तता आएगी। विक्षिप्तता कितने भी करो, एक बार क्या, उससे भी कम बार पढ़ो, पर चिंतन ज्यादा करो। पढ़ो कम, चिंतन अधिक। एक ही लाइन पढ़ो बस, और उससे डिटैच होना भी सीखना है, उसमें ही डूबे हुए नहीं रहना है। ज्ञान से भी डिटैच होने की प्रैक्टिस चाहिए। बाबा मुरली सुनाता है और डिटैच, किससे कोई मतलब नहीं है, कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, सामने कौन है, पीछे कौन है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। 1 सेकंड में आउट। फिर तुम होमवर्क करना है करो, नहीं करना है मत करो, नहीं तो वो अगर अटैच होता अपने ज्ञान से तो दुखी होता। मैं इतना बताता हूं फिर भी तुम लोग नहीं करते, उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो हर चीज से डिटैच्ड है। तो आज अपने अनुभव से भी डिटैच्ड,
अपनी रचनाओं से भी डिटैच्ड। मैंने निर्माण किया कुछ भी, ड्राइंग, पेंटिंग, होमवर्क, अचीवमेंट्स, ट्रॉफीज, जो कुछ प्राप्त हुआ, जो कुछ मिला, उससे भी डिटैच्ड। कविताएं लिखी, गीत लिखे, होमवर्क किया, कुछ बनाया, चाहे भोजन की भोजन बनाए या कुछ भी बनाए, सबसे डिटैच्ड। सब कुछ करना है और पूर्ण लगन से करना है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट के साथ करना है, संपूर्ण डेडिकेशन, कमिटमेंट, 100% प्यार। पर जैसे हुआ डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। और फिर अलग, चाहे बच्चों की पालना कर रहे हो, चाहे अपनी जो भी रचना है, स्थूल रचना, सूक्ष्म रचना, जो भी, लौकिक स्टडी भी, ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं करना, आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा डूब जाओ, परंतु गेट डिटैच्ड आल्सो, जॉब से भी डिटैच्ड, हर बात से डिटैच्ड। केवल शरीर को ही नहीं भूलना है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी है जो भूलनी है। सेवा से भी डिटैच्ड, सेवा करो एंड देन डिटैच्ड। सेवा साथियों से तो बहुत ज्यादा डिटैच्ड। तो आज की मुरली में यही सारी बातें हैं। सबसे पहले तीन बातें हैं, संपूर्ण ज्ञान में जितनी पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स का सार है पॉइंट। कितनी भी मुरलियां पढ़ लो, परंतु सब मुरलियों के पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। पॉइंट नहीं बने तो फेल, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। मुरली की टेस्ट में 100 out of 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल में 0। भाषण दिया, सहनशीलता की देवी हूं, और बाहर गए, गाड़ी का ड्राइवर गायब है, गाड़ी छोड़ के खत्म। सारे पॉइंट्स का सारे पॉइंट्स, कर्म करते हुए एक ही पॉइंट याद रखनी है। कौन सी पॉइंट याद रखनी है? मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कर रही हूं, डिटैच्ड। हर कर्म में पार्टिसिपेट तो करना है, पर कर्म होने के बाद में दृष्टा, भोक्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव, दर्शक भाव, ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर, अलग। तीसरा, जो भी विस्तार किया उसको 1 सेकंड में सार में ला लो। पूरा दिन भर कितना विस्तार होता है, सोते समय सार में ला लो, शाम के योग के समय सार में, किसी से कोई मतलब नहीं। सब कुछ किया, ये किया, वो किया, इधर गए, उधर गए, इससे मिले, उससे मिले, इधर भाषण दिया, उधर भाषण दिया, इधर भट्टी, उधर भट्टी, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, स्थूल सेवा की, सूक्ष्म सेवा की, डिटैच्ड। तो ये तीन काम है आज के, सारे ज्ञान का सार पॉइंट, कर्म करते हुए मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और विस्तार को कितने टाइम में? सेकंड में। फिर दूसरी बात, बाबा ने एक मंत्र दिया, मैं और मेरा बाबा, ये दो ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और मेरा, संसार में भी। तो मैं क्या जोड़ दो, कौन सी आत्मा, मेरा क्या, बाबा, ये बाकी जो मेरा है उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है माया वाली, इसमें एक ही है। तो इसमें तीन बातें हो जाएगी, एक तो विघ्न खत्म हो जाएंगे, माया खत्म हो जाएगी, और शक्ति आ जाएगी, किसमें, मैं और मेरा बाबा। बस ये एक छोटा सी मंत्र है। तीसरी बात, तो इसमें यह भी कहा है, छोड़ो तो छूटे। साधु के साथ पास व्यक्ति जाता है, कहता है मुझे संसार के दुखों से छुड़ाओ, 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 पत्नी से दुख है, बच्चों से दुख है, गृहस्थी से, सबसे दुखी है, बिजनेस में भी दुख है, हर बात में दुख, मुझे कुछ करो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। साधु कहता है चलो, झाड़ के पास ले जाता है, और साधु वो झाड़ को ट्री हगिंग पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, छुड़ाओ, छुड़ाओ, छुड़ाओ। वो आदमी कहता है कमाल है, खुद ही पकड़े हो और खुद ही कहते हो छुड़ाओ। साधु कहता है तुम भी तो खुद ही पकड़े हो, पकड़ा किसने है? तुमने। संसार को किसने पकड़ा है? तुमने खुद पकड़ा है। छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। यू डू इट बाय डूइंग। कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं, किधर जाऊं, किससे पूछूं,
बाबा ने कहा क्या करूं, किससे पूछूं, क्या किधर जाऊं, ये करने में दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हो। अपने ही ज्ञान के लाइट से अपने प्रश्नों का उत्तर निकालो। छोड़ो तो छूटे टॉपिक है मुरली का, पूरी मुरली का एक टॉपिक है हेडिंग। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा डेट फिक्स करो, दो बातों की डेट फिक्स करो, एक है अभूल और दूसरा है फरिश्ता और देवता का मिलन। तो भाइयों की तरफ अभी एक एक्टिविटी करेंगे। 21/11/81 छोड़ो तो छूटे, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, कहने से नहीं होगा, करो तो छूटेंगे। तो बाबा ने एक एक्टिविटी यहां बताई है, तुम्हारा जो संपन्न स्वरूप है वो कौन सा है, फरिश्ता, और तुम्हारा भविष्य का स्वरूप कौन सा है, देवता। उस देवता को इंतजार किसका है, फरिश्ते का, और फरिश्ते और देवता का क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है, तो बहने थोड़ा इधर सरक जाओ, सोफे में आ जाओ ऊपर। तो भाई सब इधर आ जाएंगे, दो रो बनाएंगे, एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक खड़े होके, और उसके सामने दूसरा ग्रुप, पीछे जो भाई है वो सामने आ जाएंगे, इनके आगे एक 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 एक, या पीछे वाले आ जाओ, वैसे नहीं इधर देखना है, पीछे वाले आ जाओ, इनके सामने एक एक, या इधर वाले आ जाओ, श्रीकांत भाई इनके आगे एक 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 एक, तो जो बैक साइड वाले हैं इनके सामने, हाँ एक के आगे एक, हाँ वन फेसिंग अनदर। तो जो ये पीछे वाले हैं ये है फरिश्ता, और जो सामने वाले हैं वो है देवता। तो मुरली में बाबा ने कहा है देवता जो है वो क्या करेंगे, फरिश्तों से गले मिलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फरिश्तों को गले मिलेंगे और फरिश्तों को माला पहनाएंगे, और ये दोनों स्वरूप किसके हैं, मेरे, आप फरिश्ता और ये है देवता, सामने वाले जो है वो है देवता, पर जो बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, ये दोनों मेरे ही स्वरूप है, ये उधर का फरिश्ता मेरा स्वरूप और ये मेरा देवता स्वरूप। ठीक है, फरिश्ता देवता, ठीक है। तो सबसे पहले देवता जो है वो थोड़ा पीछे सरकेंगे, और पीछे और पीछे, तो सबसे पहला तो फरिश्ता उधर से चल के आएंगे देवता की तरफ, और देवता फरिश्ते को गले में माला पहनाएंगे, इमेजिनरी माला पहनाओ, सामने आ जाओ, हाँ अभी उनको माला पहनाओ, नहीं आप थोड़ी ना पहनाएंगे, देवता पहनाएंगे फरिश्ते को, हाँ माला पहना दी, अभी गले मिलो। तो ये है फरिश्तों और देवताओं का मिलन। एक बार फिर से पीछे जाओ और फिर से रिपीट करेंगे ये सही बोला, गले मिलना गले पड़ना नहीं और पीछे जाओ थोड़ा, तो फरिश्ता फरिश्तों के चाल में, और पीछे और पीछे आ जाओ, मैंने थोड़ी इधर से रख जाओ, तो और पीछे आशीष भाई पीछे जाओ थोड़ा। तो सबसे पहले फरिश्ता उधर से चल के आएंगे, फरिश्ता स्वरूप में पहले स्थित हो जाओ। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लो, जो फरिश्ता है वो अनुभव करेंगे मैं फरिश्ता हूं, लाइट का शरीर है, हल्कापन, निर्बोध स्थिति, निर्भार अवस्था, मैं फरिश्ता हूं, पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश। देवता अनुभव करेंगे मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम देवता हूं, कंचन काया है, सतयुग में निवास करता हूं, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित है, और जो बैठे हैं और सुन रहे हैं वो भी अपने आप को उसी स्वरूप में स्थित करेंगे। आंखें खोलेंगे धीरे धीरे, फरिश्ता देवताओं की तरफ चल कर आएंगे, बहुत धीरे धीरे, मैं फरिश्ता हूं, देवता खुश होंगे और धीरे धीरे फरिश्तों को गले लगाएंगे, पहले माला डालेंगे उनके गले में,
और माला डालने के बाद को गले मिलेंगे। फरिश्तों और देवताओं का ये दिव्य मिलन हो रहा है। अभी धीरे धीरे फरिश्ता अपने फरिश्ता स्वरूप में धीरे धीरे जाकर अपनी जगह पर बैठेंगे और देवता अपनी देवताई चाल में, देवताई रौनक में अपने स्थान पर जाके बैठ जाएंगे। तो आज की मुरली में ये दिव्य मिलन का अनुभव बहनों के लिए दूसरी एक्टिविटी है। तो इस मुरली में दो बातें हैं। तो सबसे पहले कहा कि मैं फरिश्ता हूं, अपने स्वरूप को देखो और फिर अपने देवता स्वरूप को देखो। बाबा ने कहा इसकी डेट फिक्स करो, दो चीजों की डेट फिक्स करनी है, एक तो अभूल बनने की और दूसरा इस मिलन की। तो गले मिला मिल रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, माला, पहले माला डाल रहे। फरिश्ता देवता लालायित है कि कब फरिश्ते आएंगे, कब फरिश्ते स्वरूप में स्थित होंगे तुम लोग, ताकि देवता आए माला डाले और फिर गले मिले। तो ये एक एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी इसी मुरली में है। बाबा ने कहा जैसे तुम कोई उद्घाटन करते हो तो क्या करते हो, रिबिन काटते हो। ये रिबिन अगर कट गई तो चलेगा, चलेगा। तो ये रिबिन है और इस रिबिन का नाम है माया, इस रिबिन का नाम है माया के क्या, समस्याओं के बंधन। तो ये भाई लोग पकड़ेंगे, काटना बहनों को है। सुशील भाई पकड़ो और ये इधर अरविंद भाई पकड़ेंगे। और जब सोचो ये स्टेज है, इधर बाबा है, ठीक है, और ये है रिबिन। और रिबिन को पूरा मत काटना, बहने बहनों के पास कैची दे दो, थोड़ा सा काटना, आधा, ये टुकड़े टुकड़े है, ये अरविंद भाई आप पकड़ लो, ऊपर खींचो थोड़ा नीचे। हाँ, तो सभी बहने योग में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, और याद करेंगे मेरे जीवन में माया के कौन से स्वरूप है। आंखें बंद सभी बहने, मेरे जीवन में माया के कौन से स्वरूप है, मेरे जीवन में माया के कौन से बंधन है। आंखें खोलेंगे और सोचो ये जो रिबिन है यही वो बंधन है, ये जो रिबिन है यही माया की के समस्याओं के बंधन, मुरली के शब्द। और आज बाबा के सम्मुख, यहां बाबा है, कि मुझे इस रिबिन को काटना है बाबा। अरे नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वो गलत है, चलो ठीक है, यहाँ बाबा है। तो आपको यहाँ आना है, सामने ये कैची से इसको पूरा मत काट लेना, थोड़ा सा काटना जरा सा, नहीं तो रिबिन टूट जाएगी, ठीक है। ये आपके हाथ में गायत्री पेन से चालू करेंगे और जब आप काटेंगे तो इसी मुरली में एक मंत्र दिया हुआ है, वो मंत्र बोलते हुए काटना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ठीक है। तो दिस इज रिबिन कटिंग सेरेमनी। तो बहने के पीछे आ जाओ, काटो और क्या कहेंगे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। कोई म्यूजिक है इस टाइप का, अलग टाइप का, मेडिटेशन नहीं, स्टार्ट। और अपने मन में जो बाकी बहने हैं इस टाइट पकड़ो, थोड़ा सा काटो हाथ पकड़ के, राइट, एक 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 आते जाओ और काटते जाओ। और पहले मन में सोचो कि मेरे मन में, जीवन में जो माया है मैं उसको काट रही हूं, जल्दी जल्दी, दो दो तीन तीन आ जाओ, दो सीजर से हमारे पास, अच्छा और एक है, तीन लोग आ जाओ एक साथ, पूरा मत काटना, थोड़ा सा काटना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाकी सब लोग भी बोलते रहो इनके साथ, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
मैं बाबा का, बाबा मेरा। सभी बहनें आएंगी, जितनी बहन है ये बहनों के लिए एक्टिविटी है। बाबा मेरा, और मन में सोच के आओ कौन सा बंधन काटने वाली हूँ, जो समस्या है, जो मुश्किल है, जो कंफ्यूजन है, जो चैलेंजेस है, उसको काट रही हूँ। बड़ी है रिबिन, दूर दूर काटो, थोड़ा उधर साइड पे जाओ, थोड़ा तो रिबिन कटिंग सेरेमनी। पकड़ के काटो, हो गया हो गया, थोड़ा सा पकड़ के, पर और आज के होमवर्क में जो बाहर बैठे हैं उनको, जो भी आपका घर में बाबा का तस्वीर होगी उसके सामने एक रिबिन लगाओ और उसको काटते हुए, या तो फोटो या तो वीडियो, और बोलना क्या है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। वो बोलते रहो सभी, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब काट दिए सबने, तो अभी एक फाइनल कट कर लेते हैं छोटे लाल भाई जी से। फाइनल पूरी रिबिन काट दीजिए आप सबका सार। ए रुक, थोड़ा सा काटना। फाइनल भाइयों की तरफ से जो हमारे लीडर है तो आप पूरी की पूरी रिबिन काट दो, तो बहनों के जितने बंधन थे सारे एक साथ खत्म, और फिर सब तालियां बजाएंगे अभी। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी। अगली पॉइंट, बाबा ने कहा तुम नॉलेजफुल हो चुके हो। किसके नॉलेजफुल? समस्या के नॉलेजफुल भी हो तो समाधान के भी नॉलेजफुल हो। तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी के पास पूछना है, ये जो आदत है जो भी नया व्यक्ति मिला उसको पकड़ के पूछो। क्या पूछो? अमृत वेला कैसे करना है? क्या पूछो? स्थिति को कैसे बनाना है? ब्रह्मचर्य का क्या करना है? प्रश्न वही है, पर पूछते हैं नए नए लोग, और उत्तर में उन आंसर में इंटरेस्ट जीरो, और करना तो बिल्कुल है ही नहीं। पुरुषार्थ कैसे करना? तो बाबा ने कहा तुम खुद ही नॉलेजफुल हो, तुमको खुद ही पता है कि समाधान क्या है, समस्या क्या है। समस्या का भी तुम्हारे पास नॉलेज है तो समाधान का भी नॉलेज। फिर बाबा ने कहा ये जो भी मुश्किलें हो रही है उसका एक ही कारण है, फिक्स द लूज कनेक्शन। बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है, है भी तो वो लूज है, बस इसको टाइट करो, इसको ठीक करो, इस कनेक्शन को। उसकी भी विधि बताई, जाकर बाप दादा के सामने बैठ जाओ तो उत्तर अपने आप आएगा। उसको पूछो कि ये है, बाबा ने मुरलियों में कहा है बाप से पूछो, बाप से राय लो, तो वो उत्तर देगा बाबा के पास, परंतु प्लेन बुद्धि होकर बैठो, बाबा मदद करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि खाली प्रश्न के रूप में पूछना है, क्या किया जाए, ये ऐसा है क्या किया जाए। जैसे रामायण में दिखा है ना, दशरथ जी आईने में देखा बाल सफेद हो रहे, फिर दुख हुआ कि अरे कोई बच्चे ही नहीं है, क्या किया जाए। गुरु के पास गए, वशिष्ठ के पास, और पूछा क्या किया जाए। ऐसा कोई मार्ग बताओ, जाई विधि हो ही नाथ हित मोरा, जिसके कारण मेरा हित हो। ये नहीं कहा कि बच्चा चाहिए, ये नहीं कहा कि वंश चाहिए, ऐसा कोई मार्ग बताओ, जाई विधि होई नाथ हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो बाबा को पूछो ऐसा क्या करूं मैं पुरुषार्थ, जिससे स्थिति ऊपर हो जाए। अभी जो डिस्टर्बेंस होते रहता है छोटी छोटी बातों से, एक ही दिन में 100 बातें होती है, 1000 प्रकार की आत्माओं के संपर्क में आते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो क्या करूं कि ये सब होते हुए भी सीधा विस्तार को एक सेकंड में सार कर दूं, सारे ज्ञान की पॉइंट्स को एक पॉइंट में कर दूं, कर्म करते हुए इतना बिजी रहते हुए भी बीच में भूले ना कि मैं आत्मा हूं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, डिटैचमेंट, मैं और मेरा बाबा। तो
ये कनेक्शन जोड़ना। तो आज की मुरली से दूसरा होमवर्क है, बाबा से कनेक्शन कैसे जुड़ा रहे पूरे दिन भर में। उसकी कितनी विधियां, 21 विधियां लिखनी है। कुछ उदाहरण दे रहे हैं, बीच बीच में बाबा को फोन करना, मैसेज करना, बीच बीच में बाबा को धन्यवाद करना कि थैंक यू, ये जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। लूज होने के कारण ढूंढना कि कहां लूज होते हैं हम, कौन से जगह पर लूज होते हैं, कौन से समय में लूज होते हैं, किस परिस्थिति में लूज होते हैं, किन व्यक्तियों के सामने कनेक्शन लूज होता है। ये चार बात है। एक हो सकता है एक पर्टिकुलर समय है दिनचर्या का, जैसे दोपहर का समय तब लूज हो जाते हैं, या रात को सोते समय तब लूज होते हैं। एक दूसरा, किन परिस्थितियों में लूज होते हैं, जब दूसरों से हम अपनी निंदा सुनते हैं या फिर बहुत ज्यादा तारीफ सुनते हैं, हो सकता है दोनों ही परिस्थिति में कनेक्शन लूज हो जाए। कर्म करते हुए इतना बिजी हो गए कि लूज हो गया, या फिर हजार लोग विरोध कर रहे हैं, एकदम डिस्टर्बेंस हो गया। तो कारण, तो एक तो स्थान, किस स्थान पर होता है, किस समय होता है टाइम, किन व्यक्तियों के सामने होता है और किन परिस्थितियों में होता है, ये चार बातें। कोई एक व्यक्ति है, जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं नेगेटिव वेव्स उठने लगती है तरंगे मन में और बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है, इतना मोह है उसमें कि बाबा ही भूल जाता है, वही याद आता है, उसमें इतना आकर्षण है। तो व्यक्ति, समय, स्थान और परिस्थिति, या कोई ऐसा कोई खुद का ही संस्कार है, कोई एक एडिक्शन है कि उसमें जैसे घुसे कि बाबा भूल गया, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब कुछ इसमें घुस गए कि सब खत्म हो जाता है। या कोई एक विचार का विचारधारा है, उसमें घुसे कि डिस्टर्बेंस चालू, तो वो कारण को ढूंढो, तो फिक्स करो ये कनेक्शन को, ये जो लूज हो गया उसको ठीक करना है। तो ऐसी विधियां निकालनी है। कितनी विधियां? 21 विधियां। कुछ विधियां ये है, धन्यवाद करना, एक सेकंड में अशरीरी हो जाना, एक सेकंड में बाबा के पास जाना, टच करके आ जाना, एक सेकंड में हैंडशेक करके आ जाना, बाबा का आह्वान करना, बाबा से गले मिलना, या पूछ के आ जाना तुरंत क्या करना चाहिए, या उसको बुला लेना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी 21 विधियां निकालनी है। पहला होमवर्क बताया ये रिबिन कटिंग वाला, दूसरा बताया ये वाला, तीसरा मुरली में बाबा ने दो प्रकार के डांस बताया विदेशियों के, जाते हैं तो बहुत ऊपर, नहीं तो एकदम नीचे, आते हैं तो क्या करूं और क्या नहीं, बाबा बाबा बाबा, और भूलते हैं तो पूरा ही भूल जाते, 6 महीने टाटा बाय बाय ब्रह्मा कुमारी, यहां से मधुबन में आते हैं तो फुल मधुबन, वहां जाते हैं तो वहां के। तो बाबा ने कहा एक तो भय का डांस है, दूसरा खुशी का डांस है, कौन सा डांस करते हो वो देखो, घबराने वाला डांस करते हो या खुशी वाला डांस करते हो। लास्ट पॉइंट है अमृत वेला की, तो ये एक अलग ही पॉइंट है। इसमें बाबा ने कहा बाबा को तो देखते हो ज्योति बिंदु स्वरूप में पर खुद नहीं बनते, बाबा को तो देखते हो फरिश्ते स्वरूप में पर खुद नहीं बनते, स्वस्वरूप को चेंज करो, स्वस्वरूप को पावरफुल बनाओ, तो अमृत वेला पावरफुल होगा, पहले खुद ही उसमें स्थित हो जाओ। सीधा बाबा से, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, ये सबसे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट गेट डिटैच्ड फ्रॉम बॉडी, पहला खुद स्थित हो जाओ फिर स्थित हो जाओ। तो आज के ये दो ही काम है, बाकी मुरली में ढेर सारी बातें आई हुई है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो, ये ड्रिल वाली, कि जिसमें फरिश्ता और देवताओं का बहुत सुंदर मिलन हो रहा है, ठीक है। तो आज के ये काम है, लास्ट बातें, ये कुछ अनाउंसमेंट वाली। एक तो बताया कि रोज 10 शब्द निकालने हैं, जो लोगों को हिंदी नहीं आती वो हिंदी के शब्द ढूंढो, और जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं वो इंग्लिश के नए शब्द ढूंढने हैं और उसका हिंदी में अर्थ लिखना है, ये पहला काम। रोज भाइयों के लिए 1 किलोमीटर रनिंग दौड़ना है, जो दौड़ नहीं सकते जॉगिंग करो, धीरे धीरे चलो, फास्ट चलो। या बहनों के लिए स्कीपिंग, 1 घंटा प्रकृति में बिताना है डेली, वो जरूरी नहीं 1 ही घंटा हो, लगभग 1 घंटा जब भी टाइम मिले। और जो बिल्कुल ही बिजी है, नहीं जा सकते, वो मन से चक्कर लगा के आओ, प्रकृति की ड्रिल करो कि मैं झरने के पास बैठा हूँ, नदी के पास बैठा हूँ, सोचो, अनुभव करो, वो एक। दूसरा, रोज जो डेली एग्जाम हो रही है वो देनी है, जैसे ये मुरली है, इसी मुरली पर अभी एग्जाम होगी 12 बजे से अगले दिन 5 बजे तक, तो पहले मुरली को एक बार पढ़ लेना। रात को भी मुरली ऑलरेडी रिवाइज हो गई है रीडर्स क्लब में, एक बार यहाँ अभी हमने रिवाइज की, एक बार आप खुद से पढ़ो और फिर एक बार एग्जाम देनी है, ठीक है। तो रोज एग्जाम देंगे तो माइंड थोड़ा रहेगा कि ये मेरा क्यों मिस हुआ, 1 मार्क भी कम नहीं होना चाहिए, इतना उसको घोट लो, इतना उसको पढ़ लो,
इतना उसके बारे में हमारा अध्ययन हो, एक तो ये डेली, और रोज संडे की जो मुरली है अभी उस पर हमने एग्जाम चालू की है, तो संडे की मुरली अभी से ही पढ़ना चालू कर देना जब जब समय मिले, ठीक है? हम तो मुरली संडे वाली जो है वो अभी सभी भाषाओं में, 8 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में एग्जाम होगी, और जितना हो सके अलग अलग भाषाओं में एग्जाम दो जो आती है आपको। और उसके बाद में रीडर्स क्लब रोज रात को होता है 8 से 8:30 बजे तक, तो 8 से 8 बजे तो रीडर्स क्लब में कोई मुरली पढ़ी नहीं जाती है, आपको खुद पढ़ना होता है। खाली मॉनिटर इंट्रोड्यूस करेगा कि अभी मुरली ये तारीख की पढ़नी है, फिर 15-20 मिनट साइलेंस होगा और फिर रिविजन होगा। फिर भी पूछते ही रहते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, अरे सुनना है ही नहीं। तो वो, और रोज का जो होमवर्क है, जब भी टाइम मिले करते रहना है, और ऐसा नहीं कि दिन रात होमवर्क ही करते रहना है, मुरली से भी डिटैच रहना है थोड़ा सा। कर्म करते समय कर्मयोग, और कर्मयोग करना है, खाली पुरुषार्थ करते नहीं बैठना है, बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी, अपना कर्म जरूरी है, नहीं तो हाँ देखने वाले भी कहते हैं ये कर क्या रहे ये लोग, पूरा दिन होमवर्क ही कर रहे, पूरा दिन मुरली ही पढ़ रहे, ड्यूटी में भी मुरली ही पढ़ रहे। जब ड्यूटी कर रहे हो तब फोकस्ड ऑन द ड्यूटी, टोटल फोकस ड्यूटी पे होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे कार्य है। और एक लास्ट बात, हाँ एक होमवर्क तो नहीं है पर एक ये है कि बाबा को जब हम कोई खत लिखते हैं तो उस खत को बाबा पढ़ रहा है, ये उसमें एक एडिशन करो। हमने खत तो लिख दिया, अब योग में अनुभव करो कि बाबा वतन में हमारा लिखा हुआ खत पढ़ रहा है, उत्तर दे रहा है नहीं, पढ़ रहा है, मतलब उसकी जानकारी में है। हमने अपना वो क्या देते हैं ना, SDM साहब को वो देते ना क्या मेमो, ज्ञापन देते हैं, वो दे दिया है, अब वो क्या करे उसका काम। हमने ज्ञापन दे दिया है, मेमो दे दिया है, मेमोरेंडम दे दिया है कि हमारा ये है, अब तुम देखो क्या करना है। हाँ ये मुझे तंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो बाबा को अपना लिखा हुआ खत क्या देखना है, पढ़ते हुए देखना है, खाली पढ़ते हुए बस, उत्तर देते हुए नहीं। और आश्चर्य, और वो उसको, उसकी एक्सप्रेशन देखो क्या है। उसको दुख हो रहा है क्या, अरे 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 क्या कर रहा है ये, मैंने क्या क्या दिया और ये कर क्या रहे। ठीक है, तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति।
आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, 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 शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शक्ति